Assalamu alaikum, mere bahut hi pyare pyare sister and brothers. Welcome hai aapka Riyan Adnan ke channel par. Aaj main bana rahi hu dahi. Dahi jamane ka trika bataungi. Ye 1 kilo doodh hai takriban. Isko maine pehle bhi garam kiya tha. Ab isko aapko dikhane ke liye garam kar rahi hu. Ye achhi tarah garam ho jaye इसको खूब फेंटेंगे. अभी ये गरम हो जाए, हो रहा है गरम. अभी जब बॉइल आ जाएगा तो हम इसे 5 से 8 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे. ये देखें उबाल आ रहा है दूध में. अब हम इसे 5 से 8 मिनट तक पकने देंगे. देखिए अब ये दही बनाने के लिए तैयार हो गया. अब हम इसको जिसमें दही जमानी है उसके अंदर डालेंगे. मिट्टी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, किसी भी किस्म के बर्तन में दही बना सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये देखिए ऐसे डालना है. सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है. अब इसको फेंटेंगे. जब अच्छी तरह इस पे छाप बन जाए तो फिर हम इसको फिलहाल ऊपर जाली देकर छोड़ देंगे. देखें ये बिल्कुल इतना हो गया है कि उंगली जरा सी डालें तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये मैंने 1 चम्मच दही लेकर, मेरे पास बड़ी नहीं थी, 1 चम्मच दही लेकर उसमें 2 चम्मच मैंने पानी डाल दिया. अब ये हम इसमें डाल देंगे. ये बलाई की चिकन के झाग, जो झाग थे वो बलाई बन गई है. अब ये इसके अंदर हम 2 चम्मच डाल देंगे अंदाजे से. बस ये हमारा जामन लग गया है इसमें. अब हम इसको कवर करके इसको ढककर 5 से 6 घंटे तक रख देंगे. ये इंशाल्लाह 4 घंटे में ही जम जाएगी क्योंकि गर्मी है, सर्दियों में ज़्यादा टाइम लगता है. अब जब जम जाएगी, बन जाएगी दही तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माशाल्लाह देखें 4 घंटे हो गए हैं तो ये देखें दही कितना प्यारा बना है. अभी चेक करते हैं. अच्छा होगा उतनी अच्छी और सही दही जमेगी.
फिर भी बाजार से बहुत अच्छी दही बनी है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो बाजार से तो इससे भी पतली दही बनती है, ये फिर भी बहुत बेहतर और सही घर की बनी हुई ताजी दही है।